हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। और इस नाश्ते को खाने के बाद बाकी सारे नाश्ते आप भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ कम तेल का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसको मैंने बॉईल करने के बाद इस तरीके से ठंडा कर लिया है। गरम आलू का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं होगा। आलू ठंडा होगा तो नाश्ता काफी ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा रहेगा, और जैसे हम बनाएंगे वैसे का वैसा लंबे समय तक बना रहेगा। अगर आप गर्म आलू डालेंगे तो शुरुआत में तो क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन बाद में आप एक दो घंटे के बाद जब नाश्ता खाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पहली टिप यही है कि आपको ठंडे आलू का इस्तेमाल करना है, सिर्फ दो आलू इस्तेमाल करना है। अगर आपका बड़ा है तो आपको एक लेना है, वेट नहीं है हमारा आलू 50 ग्राम है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आलू को हम ग्रेट करेंगे। तो ये जो पतला वाला ग्रेटर होता है, जो सबसे पतला वाला होता है, इसका इस्तेमाल करना है। ग्रेट करने से क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और नाश्ता हमारा बहुत ही ज़्यादा गुठलियों फ्री बनेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उससे हम फटाफट आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो ठंडा आलू को ग्रेट करने में भी आसानी होती है, बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रेट कर पाएंगे। ये देखिए, तो चलिए आलू को ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब इसमें एक मीडियम साइज की प्याज डालेंगे, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को हटा सकते हैं डियर। और अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे चौथाई चम्मच तक। थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। सिर्फ एक से दो चुटकी डालना है। और एक चुटकी हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और नाश्ता हमें पच जाए, अब इसके लिए हम डालेंगे दो से तीन चुटकी हींग। और हींग जरूर डालना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और हींग डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ग्रीन चिली ली है मैंने एक, और इसको भी मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। और आप चाहें तो इन दोनों का पेस्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे नाश्ते की जान प्लस हरा धनिया दो से तीन चम्मच, जिसको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हरा धनिया में बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद जब इसका पानी खत्म हो जाए तब इसके तरह से कट करके डालना। अब इसमें हम क्या डालेंगे आपको बताते हैं। तो देखिए, मक्खियों ने कितना ज़्यादा परेशान कर रखा है। अगर आपको मक्खी भगाने का कोई तरीका पता हो तो कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना, मैं उसे ज़रूर अप्लाई करूँगी डियर। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, जो मैंने ग्रीन वाली ली है। आप चाहे तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। आप इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जो वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, जो ना हो आप हटा सकते हैं, और जो आप नहीं खाते उसको भी हटा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ चौथाई चम्मच डालना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा नाश्ते का। और अब इसमें हम डालेंगे चौथाई चम्मच नमक। नमक आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते हो उतना डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि सारा फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से आपस में मिल जाए। और यहाँ पे इसको हम दो मिनट का टाइम देंगे। तो यहाँ पे जब तक ये दो मिनट रखते हैं तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिला लिया है। आप इस समय चख लीजिए, अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगे तो आप इस समय ऐड कर सकते हैं, लेकिन हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, नहीं तो अच्छा कलर नहीं आएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 250 ग्राम गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको अच्छे से छान के लेना है, और छानते समय ख्याल ये रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको छानने की ज़रूरत नहीं तो चोकर गिर जाता है, तो अच्छा लुक नहीं आता है। तो हल्का सा चाल के जो पतला पतला आटा गिरे उसी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा। और एक चुटकी अब इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, सिर्फ एक चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक आटे में हमेशा कम ही डालना चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, चुटकी भर अजवाइन लेके इस तरीके से मसल कर डालेंगे, जो नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करेगी। और अब इसके अंदर क्या जाएगा, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा घी, जो एक चम्मच होना चाहिए छोटा वाला, और इसको हल्का सा गर्म करके डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पर रिफाइंड डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर बटर डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मत डालना। और देसी घी डालेंगे तो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा होने के साथ साथ लंबे समय तक आप स्टोर कर पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगा डियर। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से, हल्के हल्के हाथों से। और मिलाने के बाद इस तरीके से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर ये बंद रहा है तो समझ जाइए आपका जो घी है या तेल है, आपने जो भी डाला है वो सही डाला है।
अगर नहीं बन रहा है इस तरीके से बिखरा बिखरा सा है तो थोड़ा सा आपको और डालना है। अब यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ठंडा ना गर्म, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पूड़ी का जैसे आटा लगाते हैं उससे हल्का सा सॉफ्ट लगाना है। पूड़ी का आटा थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं, इसको हमें थोड़ा सा उससे सॉफ्ट रखना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो एक साथ पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मसलते हुए इसका आटा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़रा टाइट है ना बहुत ज़रा लूज है, मीडियम डो लगाया है। और इतना आटा लगाने में मुझे एक गिलास छोटा वाला जो पानी होता है उसमें सिर्फ आधा इस्तेमाल हुआ है, आधा पानी हमारा बच गया है। अब इसे हमें नॉर्मल आटे की तरह गूंदना नहीं है, इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फूल जाए। तो जब तक आटा हमारा फूल रहा है इसे साइड में रख देंगे और दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, अब इसमें हम एक छोटा कप पानी डालेंगे। अगर आपका बड़ा है तो आपको सिर्फ आधा कप डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम काश्मीरी डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा, सिर्फ 1 से 2 चुटकी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको हटा सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 1 से 2 चम्मच छोटा वाला। और अब इसके बाद हम इसमें 2 चुटकी डालेंगे हींग। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमने शुगर डाला है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम ना हो, टाइम कम हो तो आप पिसी वाली शुगर लीजिए, तो आपको ये टाइमिंग बच जाएगी जो हमें इसको मिलाने में लगानी है। ये देखिए अब इसको हम 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल आए, और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से रेस्ट कर चुका है। अब इसको हम इस तरीके से हल्का सा मस लेंगे ताकि इसमें चिकनापन आ जाए। और अब इसके बाद इस तरह से काउंटर पर रख लेंगे, और थंब का जो ये वाला भाग होता है इस वाले भाग का इस्तेमाल करते हुए आटे को पुश करेंगे आगे की तरफ और पीछे लेकर आएंगे। ऐसा हम 4 से 5 बार करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आटे की जितनी भी एयर है यानी हवा है वो निकल जाएगी और नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो ये स्टेप आपको ज़रूर फॉलो करना है, इससे आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। जो छोटी छोटी सी बातें बता रहे हैं उसको आप जब यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम कर लेंगे, और इसके हम इस तरीके से छोटे छोटे से पार्टीशन करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हम इसको 1-1 इंच की दूरी पे कट करेंगे। यहाँ पे हम बाकी को कवर करके रख देंगे ताकि ये सूखे ना, और एक के साथ हम काम करेंगे। तो यहाँ पे एक लेने के बाद इस तरीके से हल्का सा 10 से 15 सेकंड इसको गोल करने के बाद इस तरीके से फ्लैट कर देंगे। और अब हम थोड़ा सा सूखा चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा होगा तो नाश्ता काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं तो आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सूजी को बारीक करके भी ले सकते हैं। तो जैसे हम पूड़ी बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसको बेलना है, उतना ही मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे पानी और इसको फिंगर की सहायता से चारों तरफ इसके अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे से, सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर निकल आए हैं। अब यहाँ पे हम इसके अंदर इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको इस तरह से बीचों बीच में अप्लाई करना है, और फिर इसके बाद हम इस तरीके से इसको पकड़ते हुए इस तरह से इसके चारों साइडों को अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पे हमें हल्का सा पानी अप्लाई करना है, देखिए, और इसको हमें अंदर की तरफ लेकर आना है, और इस तरीके से इसको हमें लास्ट में भी पानी अप्लाई करके अच्छे से सील कर देना है। और अब प्रेशर देते हुए इस तरीके से हम इसको इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही कम तेल की है। ये देखिए इस तरीके से रेडी कर लिया, बाकी भी इसी तरीके से बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने 3 रेडी कर लिया, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप भी इस तरह से बना के इसे हवा बंद डिब्बे में भर के फ्रिज में लगा सकते हैं, जब आपका मन हो आप निकाल के बना सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं, मैं इसे कम तेल में बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा था मिश्रण बिल्कुल अच्छे से सारे फ्लेवर छोड़ चुका है। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, वो क्या है आपको बताते हैं। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर डालेंगे चावल का आटा।
अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का आटा या फिर सूजी को बारीक करके भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटा चम्मच। अगर आपका बड़ा है तो आपको सिर्फ आधा चम्मच डालना है। और यहाँ पे सारी गुठलियाँ इसकी ख़त्म कर लेंगे और एकदम पतला सा बैटर बनाकर रेडी करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, इस तरीके से हमारा बैटर रेडी हो चुका है और अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 4 से 5 गिलास पानी रखा है। लीटर में बताऊँ तो 1 लीटर होगा। जब पानी हमारा हल्का सा गुनगुना होने लगेगा तब इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 से 3 बूंद ऑयल डाल दिया है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। अब तेल को डालने के बाद हमें क्या करना है, इसे एक उबाल आने का वेट करना है। बिल्कुल अच्छे से उबाल आना चाहिए, तब तक हमें इंतजार करना है। तो यहाँ पे देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। अब ये जो हमने बना के रखा था इसको हम इसके अंदर डायरेक्ट डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और इसमें ये बहुत ही आसानी से 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है इसे कुक करने का। स्टीमर में बहुत सारे लोगों के घर में नहीं होता है, तो आप इस तरीके से मेरे तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही इजी जुगाड़ है इसका। आप इसी तरीके से अब इसको हम 2 मिनट तक खुला ही स्टीम होने देंगे, यानी पकने देंगे अच्छे से, और 2 मिनट के बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए। जब ये पक जाता है तो इसकी पहचान ये है कि ये लाइट वेट हो जाता है और इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगता है। और पानी देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है पानी का, और अब इसको हम फटाफट निकाल लेंगे ये देखिए। और इस तरीके से साइज में भी डबल हो जाता है ये अपने। तो चलिए इसको निकाल के हल्का सा ठंडा कर लेते हैं, फिर इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आप इसे नारियल और मूंगफली वाली चटनी के साथ या केचप के साथ या फिर चाय के साथ या मोमोज चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और ज़्यादा टेस्टी बनाऊंगी और ज़्यादा हेल्दी बनाऊंगी, वो भी कम तेल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको और ज़्यादा टेस्टी। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया, आप चाहे तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इस तरीके से डाल के 3 से 4 बार इस तरह से उल्टेंगे पलटेंगे ताकि जो इसके ऊपर है अच्छी सी लेयर चढ़ जाए। और जब लेयर चढ़ जाएगी तो इस तरीके से हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक का बनेगा और बहुत ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा कम तेल में। अब इसको हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट तक हो चुका है इसे कुक होते हुए। अब इसको हम इस तरीके से टर्न कर देंगे, देखिए कितना ज़रा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और ये वाला भी टर्न कर देंगे और इसे दूसरे साइड से भी 2 मिनट पकाएंगे। तो 4 मिनट में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड 2 मिनट हो गया है टोटल, इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगता है। अब इस तरीके से हम थोड़ा सा रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल वापस चला जाए। और ये देखिए खूबसूरत सा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। चलिए ये बाकी बचा ये भी बना लेते हैं फटाफट, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में ज़्यादा क्रिस्पी है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। ये देखिए सारे हमारे इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे बने हैं। और अंदर से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा जल रहा है अभी, क्योंकि गर्मा गर्म मैंने निकाला है, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं तब इसे तोड़ते हैं। तो चलिए अब इसे तोड़ते हैं। ये देखिए कितने बराबर से स्टफिंग इसके अंदर फिल है। और यहाँ पे आप इसे ये वाली चटनी के साथ या फिर केचप के साथ किसी के साथ दिखाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत ही ज़्यादा जल रहा है अभी। और जब आप इसको रखेंगे 1 घंटे के बाद भी तब भी ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी रहेगा। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ भी यूनिक लगा हो या फिर अच्छा लगा हो तो आप इस रेसिपी को जरूर लाइक करना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के एंजॉय करना। तो फ्रेंड आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन में मौजूद चीज़ों से, जो कम तेल में होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार है, ये देखिए स्टफिंग कितने बराबर से इसके अंदर फिल है, ये देखिए देख सकते हैं आप लोग स्टफिंग कितने बराबर से इसके अंदर फिल है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।